नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप परेशानी है आपको तो तुरंत मिटेगी कम से कम 10 दिन के अंदर। तो इस परेशानियों से बचने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोग के पास में मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बेगर टाइम गंवाए, क्योंकि दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है नींबू, आप लोग तो देख ही होंगे और बाज़ार में मिलता होगा। लेकिन कौन सा नींबू लेना है आपको पहले ध्यान में दीजिए। एक पीला कलर वाला है, इधर से देख लीजिए, पीला कलर वाला नींबू है, पीला कलर वाला। इसमें का बिया जो है ऐसे देखिए, ऐसे करके बिया इसको ऐसे निकाल देना है। जितना भी बिया है पहले निकाल देना है, बिया को नहीं लेना है। इसको दो फांके कर देना है नींबू को। दो फांके करने के बाद में इसको क्या करना है कि सुबह के समय में काली नमक जो होता है बाज़ार में बिकता है, 4 रुपये 5 रुपये का लाइएगा, तो उसमें आपको बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि पेट के लिए भारी से भारी रुपया खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपया, यानी 10,000 20,000 50,000 करोड़ों रुपया। लेकिन उनकी सुबह के समय में लेटिन जाना, पेट में गैस, बदरहा जमी, एसिडिटी नहीं जाती है। तो आपको बस ये समझिए कि 5 रुपये का 2 नींबू मिलता है, और कभी कभी तो महंगाई हो जाती है तो 10 रुपये का 2 मिलता है। तो यानी 5 रुपये आपको तो दोस्तों खर्च करना ही पड़ेगा, ऐसे एक एक नींबू का 5 रुपया। और इसका बिया निकाल देना है, और बिया निकालने के बाद में आपको काला नमक जो होता है, काला नमक था लेकिन वो ख़त्म हो गया है, नहीं तो काला नमक यहाँ रख के आपको दिखाते। एक चिटकी सिर्फ लेना है काला नमक और इस पे लगा लेना है ऐसे। और लगाने के बाद में अगर सुबह के समय में आप इसको चूसते हैं तो आपको दोस्तों सबसे पहले पेट की गैस, एसिडिटी, कब्ज और बार बार लेटिंग लगती होगी, वो तुरंत इससे राहत होगी। दोस्तों इसमें इतना गुण पाया जाता है, और आपको आंखों की रोशनी इतना तेज हो जाएगी कि क्या बताएं, दूर हुआ। तीसरा नंबर, आपको सुबह के समय में अगर खाते हैं इसमें काला नमक डाल करके, तो आपकी बवासीर की नामों निशान तक मिट जाएगी। दोस्तों इसमें इतना गुण पाया जाता है, अगर बवासीर की नामों निशान मिटा देना है तो काला नमक थोड़ा सा डाल ले लेना है, यहाँ लगा लेना है, और सुबह के समय में खाली पेट खाना है। लेकिन आपको कंदा कोहरा बैगन जो है वो बिल्कुल नहीं खाना पड़ेगा, और मुंह की दाग धब्बे फूरा फुंसियाँ जो है वो तुरंत मिट जाएगी, इसमें इतना गुण पाया जाता है। लेकिन लहसुन आदि ये नहीं खाना पड़ेगा, क्योंकि लहसुन आदि खाने से आपको जो है वो बवासीर की बीमारी हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो की जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे जानकारी लेकर के। तब तक लिए माता दुर्गा जी से हरदम रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर में खुशियाँ आगे पीछे हमेशा झूमती रहे, और आपके घर खुशहाल हमेशा रहे और बीमारी से बचे। थैंक यू दोस्तों।